हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सूट की कटिंग लेके आई हूँ। तो बहुत ही इजी तरीके से सिंपल सूट की कटिंग करेंगे हम। और ये क्लास हमारी 8 है, और अगर आपने हमारी 7 क्लास तक वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर देख लेना। तो मैंने ये सूट के लिए कपड़ा लिया हुआ है, और इसको सबसे पहले मैंने देखिए चार्लर फोल्ड करके रख लिया है। तो चार्लर फोल्ड करके ही हमारी सूट की कटिंग होती है, फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए। और देखिए कुछ मैंने मेजरमेंट लिए हैं। लंबाई है 28 इंच, चेस्ट है हमारी 26 इंच, और कमर है इसकी 24 इंच, और हिप्स हम रखेंगे 28 इंच, और शोल्डर हम रख सकते हैं इसमें 12.5 से 13 इंच तक, और आर्म होल हम रखेंगे 12.5 से 13 तक, और गला हमारा पीछे का 4 है, आगे का 3 है। तो इस तरीके से हमने कुछ मेजरमेंट लिए हुए हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। तो देखिए जो हमने लंबाई ली है, सबसे पहले हम लंबाई को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए लंबाई है 28 इंच, हाफ इंच इसमें ऊपर सिलाई में जाएगा और 1 इंच इसमें नीचे सिलाई में जाएगा। तो हम 29.5 या 30 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं इसको 29.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। और आपको अगर लंबाई ज़्यादा लेनी है तो आपकी जितनी आपको ज़्यादा लेनी है उतनी आप अपने अकॉर्डिंग निशान को लगा सकते हो। तो मैंने देखिए 29.5 इंच पर 2 जगह निशान लगा दिया है, ताकि हमारा जो निशान है वो सीधा आए इसीलिए। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके किसी भी वीडियो के नीचे जवाब पूछ सकते हो, अगर आप पर कुछ ना समझ में आए या फिर ना आए तो। तो देखिए मैंने ये फाइल बनाई हुई है, आप लोगों को भी कुछ बताया है। तो देखिए ये हमारी चेस्ट 28 इंच से मैंने शुरुआत की थी, तो आप इस मेजरमेंट से ब्लाउज, सूट, ड्रेस कुछ भी बना सकते थे। अब देखिए इसकी हमारी चेस्ट 28 है और इसकी चेस्ट हमारी 26 है, तो इसमें से हम थोड़ा सा मार्जिन को कम कर लेंगे एडजस्ट करके। तो देखिए इसमें हमारा आर्म होल और शोल्डर 13.5 इंच है, और हमने इसमें रखा है 12.5 से 13 इंच, तो हमें हाफ इंच इसमें कम कर लेना है। और ये थोड़ा सा बच्चे के नाप का है, तो बच्चे के नाप का है तो मैंने इसमें 1 इंच, करीब 1 इंच तक आप कम कर सकते हो अगर आप, क्योंकि 26 इंच बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ये बच्चे की नाप का भी है, तो मैं इसमें 12.5 इंच रखूँगी। अब देखिए जो शोल्डर है हमारा, शोल्डर है 12 इंच, और गले के हिसाब से गला हमारा 4 इंच का है, तो गले के हिसाब से हमें 1/2 इंच इसमें से माइनस करना है। पहले सबसे पहले आधा कर लेना है शोल्डर को, और फिर इसमें से 1/2 इंच आपको माइनस करना है, जैसे कि आपने मेजरमेंट में देखा होगा 4 इंच गले में 1/2 इंच माइनस हो रहा है। देखिए 4 इंच गले में जो शोल्डर है उसमें से माइनस हो रहा है। तो जितना भी आपका शोल्डर हो उतना, उतने शोल्डर में से आपको 1/2 इंच माइनस कर देना है, चाहे कितना भी शोल्डर हो। गले के हिसाब से 4 इंच गले के हिसाब से आपको 1/2 इंच माइनस करना है। और देखिए इसमें 1/2 इंच आपको बढ़ाना है, आर्म होल में आपको बढ़ाना है और शोल्डर में आपको घटाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने 6 इंच पर ये निशान लगा दिया है, 6 इंच हो जाता है हमारा शोल्डर, और आर्म होल का हम फिलहाल के लिए 5.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। 5 इंच पर लगा दिया है मैंने, तो ये अभी 5 इंच का जो निशान लगाया है ये केवल अंदाजा है। अब देखिए जो चेस्ट है हमारी वो 26 इंच है, 26 का हम चौथा भाग लिख लेंगे। तो देखिए 6.5 इंच हमारा चौथा भाग हो जाता है इसका। और वैसे ही हमें कमर का और आर्म होल वो हिप का चौथा भाग निकाल लेना है। तो देखिए कमर का 6 इंच और जो हमारा हिप है उसका 7 इंच निकल आया है। अब देखिए 4 इंच गले में लूजिंग हमें कितनी देनी है, 4 इंच गले में हमें लूजिंग देनी है, चाहे कितनी भी आपकी चेस्ट हो उसमें आपको लूजिंग देनी है 1/4 इंच। 4 इंच गले में आपको 1/4 इंच की लूजिंग देनी है, तो इसमें आपको प्लस करना है 0.75। इसी तरीके से मैंने देखी सब में लिख दिया है, हिप्स में, कमर में और चेस्ट में जो सीना होता है उसमें, तो इसको हमें प्लस करके सबको कर देना है ऐड। तो देखिए 7.5 हमारा सीना हो जाता है, कमर हमारी 7.5 इंच हो जाती है, और हिप्स हमारी 7.5 इंच हो जाती है। तो देखिए हमने शोल्डर का निशान लगा दिया, आर्म होल का निशान लगा दिया। अब देखिए ऊपर से हमने 6 इंच का शोल्डर लिया था, और जो हमारा नीचे वाला निशान है उसे हमें 7.5 इंच का लगाना है। देख सकते हो आप, थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ना आए तो आप तुरंत मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों
आपका हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, सबका रिप्लाई देती हूँ। तो देखिए नीचे की साइड में मैंने सवा 5 इंच का निशान लगा दिया है। अब देखिए जो हमारा सीना है वो चौथा करके 7.5 इंच हो रहा है, और मार्जिन के लिए आपको 1.5 इंच मार्जिन के लिए रख देना है। और इसमें हमने गोलाई दे दी है। अब देखिए आर्महोल है हमारा 7.5 इंच। अब देखिए आर्महोल को हमें नाप लेना है, तो हमें सिलाई के लिए छोड़ना है। तो देखिए मेन आर्महोल ये होता है जो हम नाप रहे हैं, जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है वो नहीं होता। तो देखिए 5.5 इंच पर आ रहा है केवल, तो मैंने 1 इंच करीब और बढ़ा दिया है इसको। अब फिर से मैं इसमें गोल शेप दे दूँगी, और देखिए फिर से मैंने नापा है तो ये अब बराबर आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये आर्महोल नापा जाता है। तो जो आप लोगों के आर्महोल को नापने के डाउट थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए गले की जो चौड़ाई है वो हमने 2 इंच रख दी है, और जो हमारा गला है वो 4 इंच का हमने निशान लगा दिया है। लेकिन एक ही गला हमारा 3 इंच का है और एक गला हमारा 4 इंच का है, तो आपको बाद में ये गले को कट करना है। तो देखिए जो शोल्डर है हमारा, उसे हमें थोड़ा सा 1/2 इंच डाउन कर देना है अंदर की साइड से। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा आर्महोल भी थोड़ा सा छोटा हो गया होगा, हमने सिलाई से नापा है तो 1/2 इंच छोटा हो गया होगा, तो हमने देखिए आर्महोल को भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और तो इस तरीके से आप आर्महोल को एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिए जो हमारी चेस्ट वाला आर्महोल वाला जो निशान है, और नीचे कमर तक आपको 6 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि बच्चे के लिए है, उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, और कमर से लेकर हिप तक का भी आपको 6 इंच का निशान लगा देना है। अब देखिए हिप है हमारी 7.5 इंच की, और कमर है हमारी 7.5 इंच की। तो 7.5 इंच का हम कमर का निशान लगा देंगे इस तरीके से, और हिप का हम 7.5 इंच लगा देंगे। तो देखिए ये दोनों निशान हमने लगा दिए हैं, और इनको हम सब दोनों निशानों को मिला देंगे, तीनों निशानों को जो हमने सीना कमर और हिप वाला लगाया है। तो देखिए हमने निशानों को मिला दिया। अब मार्जिन वाले निशान को भी लगा देते हैं 1.5 इंच छोड़ते हुए। अब इस सूट की हम कटिंग कर लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर सूट, हर तरह के सूट की और ब्लाउज की, डिजाइनर सूट, डिजाइनर ब्लाउज सब की आप लोगों को कटिंग बताने वाली हूँ, और सिलाई भी आप लोगों को बताऊँगी सबकी, गले की और सबकी। तो देखिए जो हमारा गला है वो, सॉरी आपको दिख नहीं पाया, तो 1 इंच मैंने ऊपर से ले लिया है, क्योंकि 3 इंच का हमें आगे का गला करना है, और बाकी के सबको हमने बराबर कट कर दिया है। अब देखिए दोनों पार्टों को हमें अलग अलग कर लेना है। अब जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसका हमें 4 इंच गला था, तो हमें ये और थोड़ा सा कट कर देना है, जैसे कि हमने पहले निशान लगाया था। अब देखिए जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसे ले लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में आपको इस तरीके से थोड़ा सा अंदर से आर्महोल को निशान लगाना है, आर्महोल में थोड़ा सा कट करना है, तो इस तरीके से हमारा आर्महोल भी कट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।